डोकलाम पर चीन को पीएम मोदी का जवाब तो आपको याद ही होगा। अपनी कूटनीति से कैसे उन्होंने पहली बार वो कर दिखाया जो भारत में तो पहले कभी नहीं हुआ। अब चीन को काउंटर करने के लिए उन्होंने एक और बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। भारत अपने पड़ोसी देश भूटान में एक सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड डेटा रिसेप्शन सेंटर तैयार कर रहा है। चीन ने भी भारत से लगी सीमा में 125 किलोमीटर की दूरी पर तिब्बत के नगारी में एक मॉडर्न सैटेलाइट ट्रैकिंग सेंटर और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बना रखी है। उसका ये सेंटर इतना एडवांस है कि इंडियन सैटेलाइट को ट्रैक करने के साथ साथ उन्हें ब्लाइंड भी कर सकता है। और इसी के जवाब में पीएम मोदी ने भी भूटान में ये रणनीतिक कदम उठाया है। भूटान में तैयार हो रहा ये सेंटर भी भारत और चीन के बीच की लोकेशन पर ही है और चीन की हर चाल का माकूल जवाब देने में सक्षम है। पीएम मोदी ने खुद 28 दिसंबर को भूटान के पीएम से मुलाकात के दौरान ये जानकारी दी थी कि इसरो का ये ग्राउंड स्टेशन जल्द ही पूरा हो जाएगा, जो भारत के लिए तो चीन पर रणनीतिक जीत होगा ही, साथ ही भूटान को भी मौसम की जानकारी, टेलीमेडिसिन और आपदा राहत से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करेगा। पीएम मोदी की यही खूबी है कि वो देश की सुरक्षा में जवाबी कदम तुरंत उठाते हैं और अपने विरोधियों को चारों खाने चित कर देते हैं।